नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में हो वास्तु दोष तो अजमाए कोई भी एक उपाय, आपको फायदा अवश्य होगा। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ न कुछ दोष जरूर होता है, क्योंकि वास्तु दोष के अनुसार हम चाहे जितना भी घर को एडजस्ट करके बनाने की कोशिश करें, लेकिन हर चीज को मुमकिन तौर पर पूरा करा जाए ऐसा हो नहीं सकता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो कभी लोगों को बीमार करता है तो कभी धन की परेशानी खड़ी करता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार हम आपको यहाँ पर कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं अपने वीडियो में, जिन्हें आजमा कर आप वास्तु दोष से अपने आप को बचा सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार से है। पानी पीते समय अपना मुख उत्तर पूर्व की ओर रखें, भोजन करते समय थाली दक्षिण पूर्व की ओर रखें और आप पूर्व की ओर मुख करके बैठें। अपने घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी, स्वस्तिक, ओम, मछली, कछुआ कुछ भी बनवा कर लगाएं। इनका मुख्य द्वार पर होना नकारात्मक ऊर्जा के घर में प्रवेश को कम करता है। रसोई घर में वास्तु दोष है तो अग्निकोण यानी दक्षिण पश्चिम में लाल रंग का बल्ब लगाएं और सुबह शाम इसे जरूर जलाएं। अगर पूजा घर उत्तर पूर्व दिशा में नहीं है तो वास्तु दोष दूर करने के लिए सुबह या शाम उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान चालीसा या इष्ट देव का मंत्र, जो आपके इष्ट देव हैं उनका मंत्र, विष्णु सतनाम स्त्रोत्र या लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि ये दोष मुक्त होगा हमारा घर। घर में वाटर फिल्टर, सिंक, बेसिन और मटकी उत्तर दिशा में रखें। इससे आपको काफ़ी हद तक अपने वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में सुखमय वातावरण बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी काफ़ी हद तक लाभप्रद सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।